नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिस्टर टेक्निकल शर्मा जी पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के फीचर्स, एलिजिबिलिटी, फ़ी एंड चार्जेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के लिए जो है हम सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे और यहाँ पर लिख लेते हैं मिलेनिया क्रेडिट कार्ड HDFC। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो है हमने लिख लिया है मिलेनिया क्रेडिट कार्ड HDFC। इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद आपके जो है गूगल से रिजल्ट आ जाएंगे, जिसमें कि आपको जो है दूसरे नंबर पे दिख जाएगा मिलेनिया क्रेडिट कार्ड HDFC बैंक। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको इसी लिंक के अंदर जो है जाना होगा। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के तुरंत बाद जो है आपका पेज लोड हो जाता है, जिसमें कि आपको जो है मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के बारे में सभी जानकारियां मिलेंगी और साथ ही साथ यहां पे जो है मिलेनिया का सैंपल फ़ोटो भी देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको पता चलता है मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के ढेर सारे फीचर्स। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का लाल वाला बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं वन बाई वन इसके फ़ीचर्स को। दोस्तों फीचर्स में मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे कार्ड टाइप जो है आपको कैशबैक मिलता है, यानी कि आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे उस पर जो है आपको काफ़ी सारे कैशबैक यहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं आप की फ़ीचर्स के बारे में। दोस्तों की फ़ीचर्स में सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है 5% का कैशबैक मिलता है अगर आप जो है शॉपिंग करते हैं पेजैप का यूज़ करके, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, फ़्लाइट बुक करते हैं या फिर होटल बुक करते हैं। तो अगर आप स्मार्ट पे भी करेंगे तो भी जो है आपको 5% का कैशबैक मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे शर्त है। जी हाँ दोस्तों, आपको जो है मिनिमम ट्रांजैक्शन जो है आपको 2000 रुपये का करना पड़ेगा तो ही जो है आपको कैशबैक मिलेगा 5%। दोस्तों यहाँ पे और भी चीज़ें बताई गई हैं कि आपको जो है कैशबैक मैक्सिमम 1000 रुपये तक का ही मिलेगा, वो भी जो है कैलेंडर मंथ के हिसाब से पहले 6 महीने में। और दोस्तों कैलेंडर मंथ के हिसाब से अगर 6 महीने के बाद जो है आप शॉपिंग करते हैं 2000 रुपये का, तो आपको जो है कैशबैक 6 महीने के बाद 750 रुपये का कैशबैक दिया जाएगा। नीचे भी आपको जो है सेम चीज़ें ही बताई गई हैं कि 2000 रुपये के मैक्सिमम ट्रांजेक्शन पे जो है आपको 2.5% का कैशबैक दिया जाएगा और जो कैशबैक की राशि होगी वो जो है पर कैलेंडर मंथ 750 रुपये होगी। दोस्तों आखिरी की फीचर्स पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे जो है आपको 1% का कैशबैक मिल जाता है अगर आप जो है ऑफलाइन स्पेंड करते हैं या फिर जो है अपने वॉलेट को रिलोड करते हैं, तो उस पर जो है आपको 1% का कैशबैक मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है आपको बताया जाता है कि मैक्सिमम ट्रांजेक्शन साइज जो है 100 रुपये का होना चाहिए, तभी जो है आपको मिनिमम से मिनिमम कैशबैक जो है 750 रुपये पर कैलेंडर मंथ मिलेगा। तो दोस्तों ये सारी बातें थी की फ़ीचर्स के बारे में। चलिए अगले फ़ीचर्स की ओर बढ़ते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ एडिशनल फ़ीचर्स के बारे में। एडिशनल फ़ीचर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे जीरो लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी। दोस्तों जीरो लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी में जो है बहुत ही अच्छा ऑफर आया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके साथ जो है ऑनलाइन किसी भी तरीके का फ्रॉड होता है या फिर जो है आपका कार्ड चोरी होता है या फिर खो जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है जीरो लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी की सुविधा दी गई है, जिसके अंतर्गत जो है आप 24 घंटे के अंदर अंदर जो है कॉल सेंटर में कॉल करके आप अगर रिपोर्ट कर देंगे तो आपको जो है इसके लिए कोई भी लायबिलिटी पे नहीं करना पड़ेगा। रिपोर्ट करने के बाद सारी जिम्मेदारी जो है बैंक की होगी। दूसरे एडिशनल फ़ीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट कार्ड पीरियड, यानी कि दोस्तों अगर आप जो है क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं डिलीवर होने के पहले 50 दिन तक जो है आपको कोई भी जो है चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा, इसके इंटरेस्ट जो है फ्री रहेंगे। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं लॉन्च एक्सेस के फ़ीचर्स के बारे में। तो लॉन्च एक्सेस में मैं आपको बता दूं कि 8 कम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस पर कैलेंडर ईयर आपको जो है मिल जाते हैं, यानी कि आप जो है एक साल में 8 बार अगर जो है आप ट्रैवल करते हैं तो आपको जो है लॉन्च में रुकने के लिए सुविधा मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आप जो है कंटिन्यू ट्रैवल करते रहते हैं एयरपोर्ट पे तो आपको जो है लॉन्च एक्सेस आराम से मिल जाएगा, जिसमें कि आपको जो है मात्र 2 रुपये जो है चार्ज पे करने होंगे स्वाइप करके अपने मिलेनिया क्रेडिट कार्ड को, और आपको जो है लॉन्च में रुकने की सुविधा मिल जाएगी। आपको जो है लॉन्च में रुकने के लिए ज़्यादा अमाउंट जो है पे नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों आप जो है मास्टर कार्ड यूज़ करते हैं तो आपके लिए जो है लॉन्च प्रोग्राम के लिए यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक कर देंगे। अगर आप जो है वीज़ा लॉन्च प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं तो क्लिक हेयर पे नीचे क्लिक करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डिनर के लिए भी जो है आपको मात्र 2 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर आप किसी लॉन्च में रुकते हैं तो वहाँ पर आपको सारी सुविधाएँ जो है 2 रुपये में मिल जाएंगी, बस आपको जो है अपने मिलेनिया क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करना होगा। स्वाइप करने के बाद जो है आपको 2 रुपये पे करने होंगे। चलिए अब बात करते हैं फ्यूल सरचार्ज वेबर के बारे में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ओवरऑल इंडिया में आप किसी भी फ्यूल स्टेशन पे जाते हैं तो आपको जो है 1% की छूट मिलती है।
दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि मिनिमम ट्रांजेक्शन जो है आपको 400 रुपये का करना है, जिससे कि मैक्सिमम कैशबैक आपको जो है 250 रुपये का मिलेगा। लॉन्च ऑफर के बारे में बात करते हैं, तो दोस्तों लॉन्च ऑफर में भी आपको जो है काफ़ी अच्छा फैसिलिटी मिलता है। मान लीजिए कि आप काफ़ी ज़्यादा खर्च करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं, तो आपको जो है 1000 रुपये का वर्थ गिफ्ट वाउचर मिलेगा। अगर आप जो है पर कैलेंडर क्वार्टर में जो है आप स्पेंड करते हैं 1 लाख रुपये, कैलेंडर क्वार्टर मतलब कि 3 महीने, यानी कि 3 महीने में जो है आप अगर 1 लाख रुपये खर्च करेंगे तो आपको जो है 1000 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सुविधा जो है आपको केवल पहले ही साल के लिए ही मिलने वाला है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं वेलकम बेनिफिट के बारे में। तो वेलकम बेनिफिट में आपको जो है 1000 रुपये का कैश पॉइंट मिल जाता है। 1000 कैश पॉइंट आपको तभी एप्लीकेबल होगा जब जो है आप अपने क्रेडिट कार्ड का मेम्बर फी पेड करेंगे। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके अगले फीचर्स के बारे में, जो कि है यहाँ पे माइलस्टोन बेनिफिट। देख सकते हैं माइलस्टोन बेनिफिट में भी आपको जो है काफ़ी अच्छा ऑफर मिलता है। ये ऑफर जो है आपको पहले साल के लिए ही एप्लीकेबल होगा, जिसमें कि आपको जो है 30,000 या फिर जो है 30,000 से ज़्यादा का स्पेंड करना होगा पहले 90 दिनों में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आपको ऑफर मिला हुआ है कि आपके जो है मेंबरशिप फ़ी जो लगता है पहले साल का, वो जो है आपको ऑफ कर दिया जाएगा। सेम चीज़ें जो हैं आपको फिर से नीचे बताया गया है रिन्यूअल ऑफर में, कि अगर आप जो है अपने मेंबरशिप फ़ी को जो है रिन्यू करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है आपका मेंबरशिप ऑफ हो जाएगा अगर जो है आप 1 लाख का जो है ट्रांजेक्शन या फिर उससे ज़्यादा का ट्रांजेक्शन करते हैं पहले साल में। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले फीचर्स के बारे में, जो कि है स्मार्ट EMI। स्मार्ट EMI के फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे जो है अगर आप जो है अपने HDFC बैंक मिलेनिया क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके आप जो है बहुत ही बड़ा शॉपिंग करते हैं काफ़ी ज़्यादा अमाउंट का, तो यहाँ पे जो है स्मार्ट EMI में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप जो है ख़रीदारी करने के बाद भी अपने जो है पेमेंट को जो है स्मार्ट EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो है EMI में पैसा कटने लगेगा। शॉपिंग करने पे आपको जो भी कैशबैक मिलना था वो जो है EMI ट्रांजेक्शन पे भी आपका जो है एप्लीकेबल होगा, यानी कि आप EMI जो है ट्रांजेक्शन करेंगे तो भी जो है आपको कैशबैक मिलेगा ही मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे मेन यहाँ पे जो है फीचर्स के बारे में, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट जो है बहुत ही अच्छा पेमेंट सुविधा होता है, जिसमें कि आप जो है बिना कोड डाले, बिना किसी के सामने जो है अपनी पर्सनल डिटेल को फिल किए हुए पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है आपका पेमेंट जो है बहुत ही फास्ट होता है, कन्वीनिएंट रहता है और जो है सिक्योर भी रहता है। आपको जो है सिंपली रिटेल शॉप में जो है आपको किसी को भी अपनी कार्ड डिटेल को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि किसी भी क्रेडिट कार्ड में जो है पहले से फ़ीचर ये इनेबल करके नहीं आते हैं कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के, आपको जो है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का जो है ऑप्शन इनेबल करना पड़ता है। ज़रूरी बात यहाँ पे दोस्तों ये है कि आप जो है इस कार्ड से कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करते हैं तो आप जो है मैक्सिमम 5000 का ही कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अगले फीचर्स के बारे में, जो कि है रिवार्ड पॉइंट कैशबैक। दोस्तों यहाँ पे जो है आपको रिवार्ड पॉइंट के बारे में समझाया जाता है और कैशबैक के बारे में भी बताया जाता है। तो चलिए दोस्तों 1 by 1 जो है हम यहाँ पे सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पॉइंट में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जो भी शॉपिंग करते हैं उसका जो है आपको कैश पॉइंट भी मिलता है, कैशबैक भी मिलता है। लेकिन कैश पॉइंट मिलता है तो यहाँ पे जो है आपको बताया गया है कि 1 कैश पॉइंट मतलब 1 रुपया होता है, यानी कि आपको जो है 1000 कैश पॉइंट मिलता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको 1000 कैश पॉइंट मिलेगा, तो अगर आपको जो है 1 कैश पॉइंट का जो है आपको 1 रुपया पे करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो है दूसरी बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, तो आपको जो है जानना है कि कैसे जो है आप कैश पॉइंट को रिडीम कर सकते हैं। तो आपको जो है मैक्सिमम रिडीम करने का जो लिमिट है 2500 है, यानी कि 2500 कैश पॉइंट रहेगा तो ही आप उसको जो है रिडीम कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट में बात करें तो यहाँ पे आपको बताया जाता है कि आप किस किस जगह पे जो है अपने कैश पॉइंट को रिडीम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको बताया गया है कि अगर आप जो है फ़्लाइट बुक करते हैं, होटल बुक करते हैं या फिर जो है ट्रैवल यहाँ पे करते हैं, तो आपको जो है इन सब चीज़ों पे जो है आप अपने कैशबैक पॉइंट को जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आपका जो है मैंने जैसे कि बताया कि अगर इन सब चीज़ों पर यूज़ करेंगे तो आपको जो है 1 कैशबैक पॉइंट का जो है 0.30 पैसा देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट में आपको साफ साफ समझाया गया है कि अगर जो है आपको कैश पॉइंट मिलता है, आप उसको जो है रिडीम नहीं करते हैं सही वक्त पे, 1 साल के अंदर अंदर जो है वो कैश पॉइंट एक्सपायर कर दिया जाता है। तो दोस्तों अगर आपके पास जो है कैशबैक पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है तो आप जो है इसका यूज़ कर सकते हैं फ़्लाइट में, होटल में या फिर और चीज़ें बुक करने में। लेकिन यहाँ पे आपको कंडीशन दिया हुआ है कि आप 50% ही इसका बुक कर सकते हैं, यानी कि मान लीजिए कि आपका जो है फ़्लाइट बुक करने का चार्जेस है 10,000 रुपये, तो आप जो है मैक्सिमम 5,000 रुपये का ही आप जो है यहाँ पर फ़्लाइट बुक कर पाएंगे, यानी कि आपके मेन अमाउंट जो आप पे करना चाहते हैं उसका आधा ही जो है आप यहाँ पर कैशबैक पॉइंट यूज़ कर पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि जो है अगर आप इन सब चीज़ों पे रिडीम करेंगे, फ़्लाइट बुक, होटल बुक, इन सब चीज़ों पे, तो आपको जो है 1 कैशबैक पॉइंट का जो है आपको 0.30 पैसा ही कैलकुलेट होगा।
तो दोस्तों इतनी सारी फीचर्स जो थे ये मिले नए क्रेडिट कार्ड के बारे में थे। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी के लिए, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल वाला बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम समझते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एलिजिबिलिटी में हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो है आपको बताया जाता है कि अगर आप जो है सैलरीड पर्सन है इंडियन नेशनल, तो आपको जो है यहाँ पे साफ तौर से बताया जाता है कि आपका एज जो है 21 साल कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 60 साल होना चाहिए। अगर इससे जो है कम या फिर ज़्यादा होता है तो आप जो है इसको अप्लाई नहीं कर सकेंगे। और इनकम की बात करें तो अगर आपका जो है मंथली इनकम 25,000 से ज़्यादा है तभी जो है आप इसको अप्लाई कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इंडियन सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में। तो उनके लिए भी जो है एज क्राइटेरिया जो है यहाँ पे दे दिया गया है, जिसमें कि उनका जो है मिनिमम 21 साल होना चाहिए एज और मैक्सिमम जो है 65 साल होना चाहिए। इनकम प्रूफ की बात करें तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपका जो है 6 लाख या फिर जो है उससे ज़्यादा का ITR होना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि HDFC बैंक जो है कस्टमर फ्रेंडली है, तो अगर आपका ITR कम भी है थोड़ा बहुत तो वो जो है उसको मैनेज कर लेता है। आपका रिलेशन बैंक के साथ बस अच्छा होना चाहिए, लॉन्ग टर्म जो है आप उसके कस्टमर होने चाहिए, आपका जो है पेमेंट लगातार होते रहना चाहिए। फ़ी चार्जेस पे हमने जो है क्लिक कर दिया है। अब हम बात करते हैं इसके ज्वाइनिंग और रिन्यूअल मेंबर फीस के बारे में। तो आपको जो है ज्वाइनिंग फ़ीस या फिर रिन्यूअल मेंबर फीस जो है आपको 1,000 रुपये पे करना होगा, और उसमें जो है टैक्सेस भी इंक्लूड होंगे। दोस्तों यहाँ पे जो है बता दिया गया है फिर से कि आप जो है अगर 1 साल यानी कि पहले साल में जो है 1,00,000 रुपये जो है स्पेंड करते हैं तो आपका जो है रिन्यूअल फ़ीस जो है वो ऑफ़ कर दिया जाता है। दोस्तों फ़ी एंड चार्जेस के बारे में अगर आपको कुछ और भी चीज़ें जाननी हैं तो आपको जो है क्लिक हेयर के हाइपर लिंक पर क्लिक करना होगा, आपको जो है सारे डिटेल उससे रिगार्डिंग मिल जाएंगे। आई होप सो कि मेरा वीडियो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का लाल वाला बटन तो जरूर दबा के जाइएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही वीडियो कई सारे मैं लेकर के आता रहता हूँ रोज़ाना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।